हम लोग अभी नैरो पास करना सीखेंगे। नैरो पास क्यों करते, समझो कहीं पे बिल्डिंग गिर गई या कहीं पे भूकंप आ गया तो छोटी से छोटी जगह से हमें कैसे गुजरना है और लोगों को बचाना है। जैसे कोई फंस गया तो उसको बचाने के लिए हम लोग को छोटी जगह पे कैसे गुजरना है, और इसमें NDRF और स्निफर डॉग का यूज करते हैं जिससे कि वो पता चल सके कि अंदर कोई जिंदा है, कोई जिंदा है या नहीं। स्निफर डॉग का यूज करते हैं। अभी आपको पोजीशन बताएंगे कैसे लेटना है। हाँ तुम उधर से बताओ, जाओ उधर वाले देखेंगे। सिट डाउन, सिट, लेट जाओ। ठीक है, देखा आपने, राइट हैंड इनका आगे है, लेफ्ट हैंड पीछे है। अभी आपको यहाँ क्रॉलिंग करने की जगह नहीं है तो आपको क्रीपिंग करके जाना है, मतलब खिसक खिसक के। चलो क्रॉलिंग करने की जगह नहीं, हाथ नीचे, खिसक खिसक के जाना है। देखो खिसक खिसक कर जा रहे हैं दोनों। गॉट इट। इस तरीके से एक इधर से निकल गया, एक उधर से निकल गया, दोनों साइड से देखा। शुभम गेट रेडी। पूरा निकल कर वो खड़ी हुई हैं। अगर आपने बीच में खड़े होने की कोशिश की, जो गिरी हुई दीवार है उसमें जो लोहा निकला रहता है आपकी बॉडी में चुभ जाएगा। ओके, इसलिए अभी शुभम चलो जल्दी, बाद में साफ करेंगे। चलो देखा आप लोगों ने कैसे निकल रहे हैं, हाथ कैसे हैं, एक बार इधर से भी निकल कर बताओ। देख लिया आप लोगों ने। तो देख रहे हैं, इधर देखो, इधर वहां क्या हो रहा है। चलो गॉट इट, समझ में आया। कहाँ हाथ रखना है, किस समय आए हैं आप इतना लेट।